बेसुध बेवस महिला की पिटाई मोतिहारी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला घटना सामने आया है। यहाँ एक महिला बेसुध जमीन पर पड़ी रही और लोग उसकी पिटाई करते रहे। दरअसल मामला पहली पत्नी और ससुराल से जुड़ा हुआ है। पिटाई खा रही महिला रामायण शाह की पहली पत्नी बताई जा रही है। महिला की उसका पति और पति का दूसरा पत्नी जमकर लाठी से पिटाई कर रही है। दरअसल फैमिली कोर्ट से निर्गत वारंट पर रामायण शाह की गिरफ्तारी के बाद उसी दिन शाम को जमानत पर आते ही अपनी पहली पत्नी पर जानलेवा हमला करने का वीडियो सामने आया है, जिसके वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुगौली थाना के बड़ा बौधा गांव से पीड़िता अनीता देवी को अपने अभिरक्षा में लेकर इलाज के लिए CHC पहुंचाया। वहां से गंभीर स्थिति में डॉक्टरों ने उसे मोतिहारी रेफर कर दिया। घटना के बाबत प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1999 में पीड़िता के साथ उसके पड़ोसी मोतीलाल शाह के पुत्र रामायण शाह के साथ प्रेम प्रसंग में शादी के पूर्व ही एक बेटे ने जन्म लिया, जिसके बाद मामले में वर्ष 2006 में फैमिली कोर्ट ने पीड़िता को उसकी पत्नी का दर्जा देते हुए प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का आदेश दिया, जिसके बाद उच्च न्यायालय से DNA जांच के आदेश दिए गए। DNA में भी बच्चे को आरोपी रामायण शाह का मानते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया, पर आरोपी रामायण शाह के द्वारा फिर से मेंटेनेंस जमा नहीं करने पर फैमिली कोर्ट से उस पर वारंट निर्गत था, जिस मामले में पुलिस ने उसे 13 मार्च को देर शाम गिरफ्तार कर दूसरे दिन उसे कोर्ट में पेश किया, जहां पहली बार मेंटेनेंस का ₹10,000 जमा करने पर उसे जमानत मिल गई, जिससे शुक्रवार को आक्रोशित आरोपी रामायण शाह उसकी दूसरी पत्नी मीरा देवी आदि ने एक साथ हमला बोलकर उस पर जानलेवा हमला किया। सूचना पर पहुंची पुलिस बल ने घायल को CHC पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति में मोतिहारी रेफर किया गया। पीड़िता के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।